सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पद्य खंड का पाठ एक, सूरदास के पद। सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब अष्टछाप क्या है कि जो वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने अपने 8 शिष्य बनाए थे, उन्हीं 8 शिष्यों में प्रमुख थे एक थे सूरदास जी, तो इसीलिए इन्हें अष्टछाप कहा गया। जो 8 शिष्य थे उसे ही अष्टछाप कहा गया। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। अब इन्हें भक्ति काल के प्रमुख जो कवि हैं वो माने जाते हैं सूरदास जी। तो भक्ति काल का सामान्य परिचय देखें कि भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। इसमें अलग अलग मान्यता है, कुछ लोग अलग मत रखते हैं अपना, तो कुछ अलग रखते हैं। अब जो भक्ति काल था इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, एक थी सगुण भक्ति धारा और दूसरी थी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा क्या होती है, जिसमें जो भक्त है वो अपने ईश, अपने आराध्य, अपने जो वंदनीय है उनकी एक आकृति, उनकी एक छवि जो है वो बना लेता है। ठीक है, जिस प्रकार से राम है तो जैसे ही हम श्री राम का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही हमारे सामने क्या उनकी एक छवि जो है वो सामने आ जाती है कि उनके हाथ में धनुष बाण लिया हुआ है और उनके कद काठी के शारीरिक सौष्ठव कैसा है, वो एक अलग सा रेखा चित्र हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाता है। श्री कृष्ण का नाम लेते ही क्या है कि उनके हाथ में बांसुरी है, सर पर मोर मुकुट है, तो एक अलग तरह का जो रेखाचित्र है वो अपने आप ही हमारे सामने आ जाता है। तो ये है सगुण भक्ति धारा, एक आकृति, एक रेखाचित्र को जो अपना आराध्य है उसकी वो बना लेना। ठीक है, फिर निर्गुण भक्ति धारा, जिसमें कोई आकृति नहीं है, केवल ओमकार परम ब्रह्म में जो लीन होना है वही निर्गुण भक्ति धारा है। इसमें कोई रेखाचित्र अपने ईश, अपने आराध्य का नहीं खींचा जाता, जिसके अंदर 2 माने गए, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में जो संत हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं कि भाई परम ब्रह्म में लीन हो जाओ, ठीक है, और जो प्रेम मार्गी हैं वो सूफी संत जो थे उनको प्रेम मार्गी में माना गया। जो अब हमारा जो हम पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों बताई गई है। ठीक है, सगुण भक्ति में तो कौन है, जो गोपियां हैं वो कौन सी आराधना कर रही हैं सगुण भक्ति की, और जो उद्धव जी हैं वो कौन सी आराधना कर रहे हैं, वो निर्गुण भक्ति की आराधना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सूरदास की कौन कौन सी कृतियाँ हैं, तो भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 125,000 पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्राचारिणी सभा की खोज और पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु उनकी 3 ही कृतियाँ उपलब्ध हैं, सूरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनमें से सूर सागर को सूरदास की ऐसी कृति माना जाता है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है, यानी कि बिल्कुल सत्य है वो। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, ऐसा उसे माना गया है। और जो सूर सागर है इसके ऊपर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है, यानी श्री कृष्ण का अधिकांश उसमें वर्णन किया गया श्री कृष्ण का, तो भागवत के अंदर जो जो दिखता है हमें वही सारी चीज़ें जो है वो उनकी हमें सूरदास के काव्य में भी दिखाई देती हैं। ये गीति काव्य है, गीति काव्य की ऐसा काव्य है जो कि गेय हो, जिसे गाया जा सके। सूरसागर का जो एक प्रसंग है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग, कि ये पाठ कहाँ से लिया गया, भ्रमर गीत से। तो भ्रमर गीत क्या है, ये भ्रमर गीत सूर सागर के एक अंश है। ठीक है, सूर सागर में से एक अंश है भ्रमर गीत, उसी में से ये पद जो 4 पद हैं वो ग्रहण किए गए हैं। कि जब कृष्ण जो हैं वो गोकुल से मथुरा आ जाते हैं और वापस नहीं जा पाते, तो उन्होंने उद्धव को समझाने के लिए उनके पास भेजा और उद्धव उनका संदेशा लेकर के गोपियों के पास आए। उन्होंने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग का उपदेश देकर उनकी विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। निर्गुण अभी मैंने आपको बताया था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ठीक है, किंतु गोपियां तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासक थीं, इसलिए उन्हें उद्धव के ज्ञान का उपदेश पसंद नहीं आया। तो उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का ऐसा शुष्क यानी नीरस, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा संदेश दे ही रहे थे कि तभी एक भंवरा वहाँ आया और गोपियों के चारों ओर मंडराने लगा। तब गोपियों ने उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर खूब व्यंग्य चलाए, यानी उन्होंने भ्रमर को इंडिकेट करके बात किसको कह रहे हैं, उद्धव जी को कह रहे हैं।
ठीक है। तो भ्रमर को संकेत करके कहे गए पद हैं ये सारे। तो इसी कारण सूरसागर का यह जो प्रसंग है वो भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है, इसको प्रसिद्ध है कि ये जो प्रसंग है इसे हम भ्रमर गीत का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पहला पद है, इसमें चार पद लिए गए। पहला पद है, पहले मैं इसके शब्दार्थ बता देती हूँ, फिर उसके बाद में अपन ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें इसे आप पेंसिल से मार्क करते जाएंगे जो जो शब्दार्थ आ रहे हैं। हो, पहला पद है हमारा, ऊधु तुम्हु अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगादी, नाहीन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकू लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भूरी, गुर चाटी ज्यो पागी, ठीक है। तो हो याने हो, अति याने बहुत, बड़ भागी है ना भाग्यवान, अपरस याने नीरस या अछूता, स्नेह स्नेह याने स्नेह, तगा याने धागा या बंधन, ते याने इसलिए, नाहीन याने नहीं, अनुरागी प्रेमी, पुरैन याने कमल का, पात याने पत्ता, ता याने उसका, ज्यों याने जैसे या जिस प्रकार, माह याने मैं, गागरी याने मटकी या छोटा घड़ा, ताको याने उसको, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, पाऊँ याने पैर, बोरियो याने डुबोया, दृष्टि याने नजर, रूप याने सुंदरता, परागी मुग्ध होना, अबला असहाय, भोरी भोली, गुर गुड़, पागी, ये इस पद को कंप्लीट करने के लिए एक संज्ञा शब्द जोड़ दिया गया है। पगी जो है ना, पागी याने पगी, ये केवल जो हमारा ये जो इन्होंने गेय पंक्तियाँ हैं तो इसको पूर्ण करने के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है। अब इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धु तुम्हो अति बड़भागी के, अरे उद्धव जी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगादी नाहीन मन अनुरागी, कि श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुए हो, आपका मन उनके उनमें अनुरक्त नहीं हुआ है, उनके प्रेम बंधन में नहीं पड़े हो, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है फिर भी जल का प्रभाव उस पर नहीं दिखाई देता। उन्होंने ये उदाहरण लिए हैं गोपियों ने, है ना, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार से जल के अंदर तेल की गागरी, गागरी यानी मटकी, कि तेल से लगी हुई जो मटकी है उसे जब पानी में डाल दिया जाता है तो उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं होता। तो उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार से जल के अंदर तेल से लगी हुई मटकी को डाल दिया जाता है तो जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार आप पर श्री कृष्ण के प्रेम सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रेम प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने अपना पैर नहीं डाला है, आप उनके प्रेम में उनके स्नेह में रत नहीं हुए हो, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही उनका जो रूप है वो आपको मोहित कर पाया है। अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागे, कि सूरदास जी हम तो अबला और भोली गोपियाँ हैं, असहाय अबला स्त्रियाँ हैं, गुर चाटी ज्यो पागे, कि जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर चीटियाँ चिपक जाती हैं उसी प्रकार से हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में रत हो गई हैं, हम से जिस प्रकार मरने की मृत्यु के पश्चात ही चीटियाँ उससे हटती हैं उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से विरक्त नहीं हो सकती, उनसे दूर नहीं हो सकती हैं। अब इस पद के अंदर कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम भाव जो है वो प्रकट हुआ है, और उद्धव के प्रति कठोर व्यंग्य किए गए हैं। भाषा कौन सी है इसमें, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और संबोधनात्मक शैली है। संबोधनात्मक शैली यानी एक दूसरे को बातचीत की तरह से बात करना, है ना, एक दूसरे को इंडिकेट करते हुए कि उद्धव किससे बात करें, गोपियों से बात करें, और गोपियाँ किससे करें, उद्धव से, तो एक दूसरे संबोधन शैली है ना, एक दूसरे से बातचीत चल रही है यहाँ पर। प्रीति नदी के अंदर यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुरई निपात तेल की गागरी और गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है कि देख करके कि जो उनकी स्थिति है वही हमारी स्थिति है, इस तरह से बता करके उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से पुरई नहीं पाता जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहता है परंतु उसके ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार आपके ऊपर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तेल की गागरी का एक उदाहरण लिया उन्होंने, ये भी क्या है, एक दृष्टांत है,
ठीक है, कि जिस प्रकार से तेल की से लगी हुई मटकी के ऊपर जल अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आपके ऊपर श्री कृष्ण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गुरु चाटी जो पागी, अब यहाँ पर एक और दृष्टांत दिया इन्होंने कि जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर, गुड़ से आकर्षित होकर, उसकी मिठास से आकर्षित होकर के चींटियाँ उसमें चिपक जाती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में आकर्षित होकर के उन्हीं में रत हो गई हैं और उनसे हम दूर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, कौन सा अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया। अब हम मन की मन ही मांझ रही है, कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जत ही ते उतते धार पही, सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जा दाना लही। अब पहले मैं शब्दार्थ बता रही हूँ, सभी पेंसिल से इसे मार्क करेंगे। मांझ यानि मैं या भीतर, कहिए कहें, जाई जाकर, पेयन से, उदो उद्धव के लिए कहा गया है, नाही नहीं, परत पड़ता, अवधि निश्चित समय, आस यानि आशा, आवन यानि आने की, विथा व्यथा या कष्ट, योग यानी योग, योग की बातें कर रहे हैं ना अपने उद्धव जी, इसलिए सही सहन की, आधार आधार सहारा, संदेशनी संदेश का, सुनी सुनी सुन सुन कर, विरहणी वियोग में जीने वाली स्त्री, विरह वियोग, दही जली, चाहती चाहती हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही ती जहाँ से, उत उधर वहाँ वहाँ या उधर, धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर धीरज धीर ही धारण करना, मर्यादा यानी मर्यादा न लही यानी नहीं रखी। तो अब जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, वो तो सारी मन में ही रह गई हैं, कही जाई कौन पे उदो ना ही परत कहीं, अब तो वो उनसे कहना चाहकर भी नहीं कह पा रही हैं, अवधि आधार आसावन की तन मन विथा सही, और केवल श्री कृष्ण के आने की आशा में ही हम तन और मन की जो व्यथा थी उसे सहन कर रही थी, अब इन योग संदेश अनि सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, परंतु अब आपकी ये जो योग और संदेश की बातें हैं ये सुन सुन के हमारी विरह रूपी जो अग्नि है वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो गई है, और ज़्यादा बढ़ गई है विरह रूपी आग, चाहती हुती गुहारी जतई ते उतते धार बही, कि हम जिससे गुहार यानी रक्षा के लिए पुकारना, जिसे हम हमारी रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी, उन्हीं की तरफ से यह योग रूपी धारा प्रवाहित हो रही है, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही, अब सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर क्यों धरें, यानी अब इस धैर्य को हम धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने ही धैर्य अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो अब हम इस धैर्य को धारण क्यों करें। अब इस पद के अंदर वियोग श्रृंगार की मनोदशा का सुंदर चित्रण हुआ, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है, रस के अंदर जो नौ रस हैं उन नौ रसों के अंदर एक संयोग श्रृंगार माना जाता है और दूसरा है वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार के ही दो भेद हैं, एक संयोग और दूसरा वियोग, नायक और नायिका जब साथ में है तो संयोग श्रृंगार और जब वो अलग अलग हैं तो वियोग श्रृंगार, तो इस पद में कौन सा ये श्रृंगार आ रहा है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार की मनोदशा का सुंदर वर्णन हुआ है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है और शैली कौन सी है, संबोधनात्मक शैली, ठीक है, एक विरहनी विरह और धीर धरही में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अ अ अ अ फिर व व ये सारे क्या है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो वर्णों की जहाँ आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, फिर सुनी सुनी, सुनी सुनी में क्या है, यहाँ पर एक ही शब्द को दो बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। फिर इसका भावार्थ है, फिर अपना अगला पद आता है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, सूतो व्याधि व्याधि ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन जकरी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं,
सूरदास जी, पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। हमारे यानी हमारे लिए, हरि श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। हारिल एक पक्षी है जो कि अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को लिए हुए रहता है और उसे छोड़ता नहीं है, ठीक है। ये एक चिड़िया की तरह ही है ये पक्षी, ठीक है। लकड़ी लकड़ी क्रम है ना, कर्म वचन वचन, नंद नंदन नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। उर यानी हृदय, पकड़ी पकड़ी जागत यानी जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न यानि सपना, दिवस यानि दिन, निश यानि रात, कान्हा यानि श्री कृष्ण, कान्हा को कहा गया है। जकरी यानि रटते रहना या रटती रहती हैं। सु यानि वह, लागत यानि लगता, ऐसो यानि ऐसा, करु यानि कड़वी, व्याधि व्याधि रोग, हमको हमारे लिए ले यानि लेकर, न करी न अपनाई गई, तो सूर्य ने सूरदास जी इतने यानि उनको सौंपो यानि सौंप दो, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम हमारा पद पढ़ते हैं। अब गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी की, श्री कृष्ण जी, गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी तो उनके लिए हारिल पक्षी के समान है। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, वो तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी के टुकड़े को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी हमारे हृदय में श्री कृष्ण को कस कर पकड़ रखा है। फिर आगे वह कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी कि हम तो कि दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि सपने में भी श्री कृष्ण की कान्हा कान्हा नाम की रट लगाई रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो जो करुए ककड़ी। अब आपका ये जो योग संदेश है वो तो हमें ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी है। सो तो व्याधि हम को ले आए, देखी सुनी न करी। और आप तो हमारे लिए व्याधि एक ऐसी बीमारी लेकर के आ गए हैं जिसे न तो हमने पहले कभी देखा है और ना ही जिसके बारे में हमने कभी सुना है। यह तो सूरत इन हीले सोंपो जिनके मन चक्री। अब गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो योग संदेश है ये तो आप उन्हें ही जाकर के सुनाइए जिनका मन चक्री के समान चंचल है, स्थिर नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। उन्हें ही जाकर के सुनाइए। हमारा मन तो श्री कृष्ण के अंदर पूर्ण रूप से स्थिर हो गया है और अतः हमें किसी योग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रही है, फिर से रिपीट करते हैं कि हमारी हरि हारिल की लकड़ी के, हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। और जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा अपने पंजों में लकड़ी के एक टुकड़े को पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में कसकर पकड़ रखा है। वे कहती हैं कि दिन रात सोते जागते, यहाँ तक कि सपने में भी वे नंदलाल श्री कृष्ण का प्रिय नाम काना काना रटती रहती हैं। कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं। अतः उद्धव जो कि योग ज्ञान की बातें उन्हें बता रहे हैं, वो उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं जो कि त्यागने के योग्य है, ठीक है। जिस प्रकार ये कड़वी ककड़ी खाई नहीं जाती, उसी प्रकार उद्धव की जो योग ज्ञान की बातें हैं ये उनके द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं। वे कहती हैं कि योग के रूप में जो उद्धव एक ऐसा रोग लेकर के आ गए हैं जो हमने पहले कभी देखा और सुना नहीं है, अर्थात जिसे कभी देखा न तो जाना है उन्होंने, ठीक है। तो गोपियाँ उद्धव जी कहती हैं कि वे इसे उन्हें ही सौंप दें जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण में रम गया है और वहीं स्थिर हो गया है, अतः योग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके अंदर ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है, वही भाषा अपनी, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये पद क्या है, गेय है, गेय का मतलब क्या होता है, इसे गाया जा सकता है। फिर हमारी हरि हारिल और नंद नंदन, यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, क्योंकि क्या ह ह ह और ना ना वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो अतः कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। ज्यों करुए ककड़ी, ककड़ी किसके समान है, जैसे कि कड़वी ककड़ी ज्यों आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये पहचान चिन्ह मैंने आपको बताए थे जब अलंकार करवाए तब, तो इसमें क्या है, ये उपमा अलंकार है। फिर कान्हा कान्हा, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो अब अपना अगला पद है, हरि है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूरजो प्रजा न जाई सताए। अब यहाँ पर
फिर हम पहले शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ पढ़ते हैं। पढ़ी यानी पढ़कर, समुझी समझकर, मधुकर भंवरा, जो कि उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयोग किया गया एक संबोधन है, ठीक है। एक एक, अति बहुत, होते था, पहले पहले, पठाए भेजा, आगे के यानि पहले के, पर यानि दूसरे, हित यानि भलाई, डोलत यानि घूमते थे, धाये यानि दौड़े, अपने स्वयं के, फेर फिर से, पाहिए यानि पालेंगी, चलत यानि चलते हुए, जो होते यानि जो था, चुराए यानि चुराया, ते वे आपुन यानि उन पर, जे जो औरों को, तो यही यही, जाही यानि जाए। तो अब यहाँ गोपियाँ ताना मारते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि तुम्हारी बातों से ही हम श्री कृष्ण का सारा हाल जान गई हैं, ठीक है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, कि तुम्हारी बातों से ही हम श्री कृष्ण का सारा हाल जान गए हैं। हमारे जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने तो अब राजनीति पढ़ ली है और आपकी बातों से ही हमें सारे समाचार प्राप्त हो गए हैं उनके। एक तो चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, कि एक तो पहले से ही वो बहुत अधिक चतुर थे और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, अब उनकी जो चतुरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए उन्होंने ये योग संदेश जो है वो भेजे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, कि उद्धव जी पहले के जो लोग थे वो तो बहुत ही भले थे, कि जो लोगों के हित के लिए डोला करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चिराए, परंतु अब हमें हमारा मन पुनः चाहिए, जो कि श्री कृष्ण जाते समय चुरा करके ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, अरे वो तो श्री कृष्ण जो दूसरों पर अन्याय होते हुए सहन नहीं कर सकते थे, दूसरों की रक्षा करते थे, वे ही श्री कृष्ण आज हमारे ऊपर क्यों इस प्रकार से अनीति कर रहे हैं, क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूरजो प्रजा न जाही सताहे। अब गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी के माध्यम से कि जो राजा का धर्म है वो तो यह है कि वो प्रजा को सताए नहीं, उसका पालन करे, उसकी रक्षा करे, फिर आज जो श्री कृष्ण है वो अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको फिर से हम पढ़ते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो ताना मारते हुए उद्धव जी से कहती हैं कि तुम्हारी बातों से ही हम श्री कृष्ण का सारा हाल जान गई हैं। पहले ही वे बहुत चतुर थे और अब तो ग्रंथ पढ़ करके वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। अब तो मथुरा के राजा बन करके उन्होंने राजनीति भी सीख ली है, तभी तो उन्होंने हमारे पास में समझाने के लिए आपको भेजा है। पहले तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरों की भलाई के लिए जाया करते थे, किंतु आप यहाँ हमारा कौन सा भला करने के लिए आए हो, क्योंकि उन्हें योग संदेश अच्छा नहीं लगता है। वे कहती हैं कि जिस मन को श्री कृष्ण ने उनसे चुरा लिया था वे उनसे वापस लेना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण तो अनीति दूर करने वाले हैं, अन्याय को दूर करने वाले हैं, फिर वो हमारे ऊपर इस प्रकार से अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे उद्धव जी से कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि वो प्रजा को न सताए, किंतु श्री कृष्ण अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और वे हमें बहुत अधिक सता रहे हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हो रही हैं गोपिका, इस तरह इसलिए उन्होंने उद्धव जी से इस तरह की बातें कही। अब इस पद के अंदर जो पद में अत्यंत ही संक्षेप और सरल शब्दों के अंदर जो राजधर्म है, राजा का क्या धर्म है, वो इसमें समझाया गया है, ठीक है। और कहीं कहीं पर तत्सम और देश शब्द भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ क्या है, अनीति, जू, हुते, इस तरह के शब्द इसमें दिए गए हैं। और हिंदी के तत्सम शब्द भी है, जैसे मधुकर, अनीति, इस तरह के शब्द इसमें प्रयोग हुआ है। फिर जोग संदेश, यहाँ पर सामासिक शब्द का प्रयोग है, ठीक है। फिर इसमें समाचार सब, गुरु ग्रंथ, बड़ी बुद्धि, अब अपने में, यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटाई, यहाँ सारे क्या है, ग ग ब ब स स वर्णों की आवृत्ति है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हमारी अगली कक्षा में हम इसके जो अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्नोत्तर हैं उसे रूबरू होंगे।